मंकी मैन। फिल्म मंकी मैन नहीं हो पा रही है इंडिया में रिलीज, लेकिन देव पटेल की ये फिल्म एक तगड़ी फिल्म है। स्लमडॉग मिलियनेयर में काम कर चुके देव पटेल की फिल्म है मंकी मैन। देव की इस फिल्म को सारी दुनिया में सराहा गया था, केवल भारत को छोड़कर। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इंडिया मीडिया ने इस फिल्म को एक अलग ही रूप में पेश किया था। उसी देव पटेल की फिल्म मंकी मैन अब भारत में नहीं रिलीज हो पा रही है। मंकी मैन देव पटेल का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद लायन, द ग्रेट नाइट, द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड जैसी फिल्म में काम कर चुके देव पटेल ने एक्शन से भरपूर इस फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर को दिखाया है जो मुख्य किरदार की माँ को बचपन में ही मार देता है, और इसी दौरान उसे ये लगने लगता है कि कैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मंकी मैन में विलन बेहद ही ताकतवर है, और इसकी वजह से हीरो और विलन के बीच काफी सारे फाइटिंग सीक्वेंस भी दर्शकों को इस फिल्म में देखने मिलेंगे। देव पटेल फिल्म में मंकी का मास्क लगाकर ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म का ट्रेलर जनवरी में लॉन्च हुआ था। ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लगाया जाने लगा था कि फिल्म में देव का डायरेक्शन और परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाला है। अब जब ये फिल्म भारत से बाहर सिंगापुर जैसे देशों में रिलीज हो चुकी है, तो लोग देव को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनाई हुई फिल्म है। हॉलीवुड में बनी इस फिल्म को यूनिवर्सल स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है, और ये हिंदी के साथ कई और भाषाओं में रिलीज हुई है। फिल्म में लीड कैरेक्टर देव पटेल ने प्ले किया है। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ को राइट भी किया है। इसके अलावा फिल्म में विपिन शर्मा, सिकंदर खेर, शोभिता धुलीपाला, पीटो बाश, अश्विनी कलसेकर, मकरंद देशपांडे जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल हैं। वहीं भारत में ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हो सकती है। फिल्म में हनुमान जी और रामायण से जुड़े कई बातें हैं। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह हनुमान जी सूरज को आम समझकर उसे निगलने की कोशिश करते हैं। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से फिल्म पर भारत में विवाद बना हुआ है, और फिल्म में भगवा को लाल दिखाया है। ये एक आर रेटेड फिल्म है जिसमें न्यूडिटी, ड्रग यूसेज और सेक्सुअल कंटेंट है, और इसे यूएस में आर रेट किया गया है। फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 121 मिनट्स है।